हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। वैसे तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी गामा वन में है, जहाँ पे अभी भी जो प्रॉपर्टी बुकिंग होती है या जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज होती है तो सेल बाय का जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो अभी भी कहीं ना कहीं गामा वन में जो अथॉरिटी है वहीं पर होता है। और अभी हम जो ये जो सुंदर रोड देख रहे हैं, हरी भरी रोड देख रहे हैं, ये ऊपर जो है ये मेट्रो है जो आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा जाती है। और वो जो आप देख रहे हैं दूर वो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस। ये एक आलीशान बिल्डिंग है, आपको अभी मैं और करीब से जाके दिखाऊंगा इसको कि ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है वो अब काम कहाँ पे होता है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर बैठता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बराबर में जो राइट में आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब पार्क, नया एक पार्क डेवलप हो रहा है और यहाँ पे ना ग्रास जो घास है वो लगाई जा रही है, बहुत ही सुंदर। और आप ये कह सकते हैं कि ये 20 to 25 स्टोरी बिल्डिंग है और इसमें ये दो बिल्डिंगों में डिवाइडेड है और बीच में एक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं हम अलग ही दुनिया में आ जाते हैं, लाइक कि हम विदेश में हैं ही नहीं, हम जैसे इंडिया में हैं। तो ये जो शहर है ये ग्रेटर नोएडा है और बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही प्लान तरीके से बसाया गया शहर है। और ये सब का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक रहा है या जो आगे भी जो डेवलप करेंगे उन सब का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो न्यू ऑफिस है, नई बिल्डिंग है जो कि मेट्रो के काफ़ी पास में है और यहीं से ज़्यादातर जो काम होता है ग्रेटर नोएडा के डेवलपमेंट का, यहाँ की रोड का, साफ़ सफाई का, वो यहीं से कहीं ना कहीं आजकल होने लगा है। जो पुराना ऑफिस है वो गामा वन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, सेल्स बाय परचेज़ अभी सब वहीं पे होता है बट एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठते हैं वो यहीं पर बैठते हैं। आप जितना मैं इसको अभी करीब से भी और दिखाऊँगा आपको कि ये कितना आलीशान है, आप देख रहे हैं लग ही नहीं रहा कि हम लोग इंडिया में हैं। इंडिया अब इतना डेवलप हो रहा है, इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है और हो रहा है और ये सब का श्रेय जो जा रहा है ये इसी अथॉरिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जा रहा है। आप इधर भी देखेंगे पूरा ग्रीन एरिया है और बिल्डिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है। और आगे जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेट्रो स्टेशन है, इसको जो नाम दिया गया है वो भी ग्रेनो ऑफिस के नाम से ही नाम दिया गया है। और ये बिल्डिंग, अब जैसे मैंने बताया था दो ब्लॉक हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है एक इधर, ये दूसरा एक ब्लॉक और है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा ग्रेटर नोएडा का पूरा एक आलीशान बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग है। और शाम को यहाँ पे एक अलग ही नज़ारा रहता है कि लाइटिंग पूरे ऑफिस की जो होती है और ये जो जो लाइट जो बिल्डिंग है इस पर भी लाइटिंग है। दूसरा यहाँ के जो ये पोल जो हैं इस पर एक तरह से जो हमारे राष्ट्रध्वज है उसको कलर में ये रंगा हुआ रहता है जनरली। अभी जैसे आप देख रहे हैं ये पूरे ग्रीनरी, यहाँ पे अथॉरिटी के सामने जो ऑफिस है पूरा, यहाँ पे पार्क, पूरा पार्क ही डेवलप कर दिया है, हरे भरे पौधे रहते हैं यहाँ पे जनरली। और काफ़ी ज़्यादा जो जो नर्सरी का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, पेड़ पौधे बहुत ही लगाए जाते हैं एक हर, इसीलिए इसको ग्रेनो सिटी बोलते हैं। अरे ये ग्रेनो, जैसे मैंने बोला था आपको ये ग्रेनो ऑफिस है कि जो बिल्डिंग है उसको ग्रेनो ऑफिस, और ये ग्रेनो ऑफिस का ये मेट्रो स्टेशन है। इसके नीचे भी आप देखेंगे, ये इधर देखेंगे, ये इसके यहाँ से जैसे इधर से गाड़ी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से जाता है आता है। तो ये पूरा ग्रेटर नोएडा ऑफिस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ग्रेटर नोएडा की अच्छी अच्छी जो लोकेशंस है उसके बारे में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।